वाले थे और मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी सुबह से। वो आ चुके हैं और हमारा दिवाली का पूजा भी हो गया है, खाना वाना सब हो गया, तो हम फ्री होके मिलवा रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए कौन आया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज नेहा लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज, माय यूट्यूब फैमिली। मेरी और मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। और आज है दिवाली, दिवाली की तो खुशियां हर घर में होती ही है। साथ में मेरे घर में कोई आने वाला है या आने वाली है, कौन आने वाला है तो आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल तो बहुत लेट हो चुका है, पहले ही आ जाने का टाइम था लेकिन बहुत लेट हो गया है। तो देखिए कि अब तक वो लोग आते हैं, उनके आने की और महालक्ष्मी जी के आने की दोनों की तैयारी मैंने अच्छे से कर लिया है। तो इस ब्लॉग को हमें आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी तो मैं कुछ भी रेडी नहीं हुई हूं, मतलब सिंपली सूट पहना है जो भी नॉर्मल है वो। रात में मैं साड़ी पहनूंगी, तो जो भी करूंगी पूजा उजा क्या बना रही हूँ खाने में और कौन आने वाला है सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइज, यहाँ पे मैंने पूरे घर को अच्छे से सजा दिया है तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी एक झलक दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने सेंटर टेबल पे कुछ मतलब डेकोरेटिव आइटम रख दिए हैं और यहाँ पे मैंने बनाया है वो क्या कहते हैं उसको, उरली, उरली टाइप। लेकिन उरली मुझे ना मार्केट में नहीं मिला, मैंने बहुत ही ढूंढा तो फिर मैंने अपने हाथों से ही DIY करके बना दिया। और यहाँ पे हो रहा है मतलब पूजा की तैयारी, मेरे हस्बैंड करते हैं तो वही वो कर रहे हैं। पीछे ये शैतान बैठा हुआ है बदमाशी करने के लिए, पता नहीं क्या खुरापाती कर रहा है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था, उसकी लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी पीपल से
कौन है? शांत बच्चा कौन बता चला रहा के पते शांत बच्चा माता जगी पार्वती पिता महादेवा फूल चढ़े पान चढ़ी कामना को पूर्ण करो गणपति बलिहारी जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा मूर्ति महाराज की ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवक तुमको निश दिन सेवक हर विष्णु दादा ओम जय लक्ष्मी माता बस दो वो दिवाली मनाना है। सो गाइज यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और मैंने सबसे पहले तुलसी जी के पास दिया रख दिया था, उसके बाद सारे घर में रख दिया। घर में तो मैंने कम ही रखा था क्योंकि यूबी बदमाश है, वो हाथ पर जला लेता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं रखा। दोनों बालकनी में और सीढ़ी पे रख दिया था सारे दिया। और मेरे घर जो आने वाले थे वो आ चुके हैं, पूजा के टाइम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हाँ वो आ चुके हैं, मतलब पूजा के वक्त तो नहीं थे, वो आरती के वक्त थे। क्योंकि जब वो आए थे तो मैंने पूजा स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर नहा धो लिया था उन्होंने, फिर तैयार होने में तो टाइम लगता है, तो पूजा हमने किया था, उसके बाद आरती के टाइम आ चुके थे तो हमने साथ ही आरती किया था। उसके बाद मैं सारी जगह पे दिया लगा दिया था जहाँ जहाँ लगाना था। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी किया था। एक्चुअली खाना तो मैंने बना ही लिया था पूजा करने से पहले, ये जो पकौड़े वगैरह चिप्स पापड़ वगैरह तला था, ये तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो वो सब तला था। उसके बाद हम लोगों ने रात का डिनर किया था और मैंने खाने में बनाए हैं दाल चावल कढ़ी, कढ़ी मैंने सुबह ही बना लिया था, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी, और यही पापड़ था और चिप्स पकौड़े, ये सब कढ़ी बनता है ना, मतलब बेटियाँ आती है घर तो कढ़ी बनते हैं, तो इस वजह से मैंने कढ़ी बना दिया था। और ये देखिए पूरा गली एकदम जगमगा उठा है दिवाली में, ये फटाके वगैरह सब तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि अगर घर में गेस्ट आ जाते हैं तो फिर उनको भी देखना पड़ता है, वो तो वैसे ही लेट आए थे तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, छत पे भी नहीं जा पाई थी मैं, लेकिन जो भी मेरे से मतलब बन सका वो मैंने दिखाया है। हेलो एवरीवन, तो जिसको मैं दिखाने वाली थी आप लोगों को अपने ब्लॉग में जो आने वाले थे और मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी सुबह से, वो आ चुके हैं और हमारा दिवाली का पूजा भी हो गया है, खाना वाना सब हो गया, तो हम फ्री होके मिलवा रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए कौन आया है, कोई ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो गाइस ये है मेरी बहन यानी छोटी बहन, हाल ही फिलहाल में इसका शादी हुआ है। शादी का ब्लॉग नहीं है गाइस, क्या बताऊं, उस टाइम बना नहीं रही थी, उसके बाद बनाई थी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी खुशनसीबी है कि ये मेरे पास आ गई दिवाली में, तो ये अच्छी बात है। तो ये है मेरी बहन, ब्यूटीफुल सी बहन है ये मेरी।
सो गाइज कैसा लगा मेरा ये दिवाली का ब्लॉग बताइएगा जरूर कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे एक और अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज़।